वंदे वेद मातरम। मैं क्या हूँ? अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराने वाली अपूर्व पुस्तक। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय 4। पिछले अध्यायों में आत्मस्वरूप और उसके आवरणों से जिज्ञासुओं को परिचित कराने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा का संबंध बताने का प्रयत्न किया जाएगा। अब तक जिज्ञासु अहम का जो रूप समझ सके हैं, वास्तव में वह उससे कहीं अधिक है। विश्वव्यापी आत्मा पर महत्तत्व परमेश्वर का ही वह अंश है, तत्वतः उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तुम्हें अब इस तरह अनुभव करना चाहिए कि मैं अब तक अपने को जितना समझता हूँ उससे कई गुना बड़ा हूँ। अहम की सीमा समस्त ब्रह्मांडों के छोर तक पहुँचती है। वह परमात्मा शक्ति की सत्ता में समाया हुआ है और उसी से इस प्रकार पोषण ले रहा है जैसे गर्भस्थ बालक अपनी माता के शरीर से। वह परमात्मा का निज तत्व है। तुम्हें आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव करना होगा और क्रमशः अपनी अहंता को बढ़ाकर अत्यंत महान कर देने को अभ्यास में लाना होगा। तब उस चेतना में जग सकोगे जहाँ पहुँचकर योग के आचार्य कहते हैं सो हम। आइए अब इसी अभ्यास की यात्रा आरंभ करें। अपने चारों ओर दूर तक नज़र फैलाओ और अंतर नेत्रों से जितनी दूरी तक के पदार्थों को देख सकते हो देखो। प्रतीत होगा कि एक महान विश्व चारों ओर बहुत दूर तक फैला हुआ है। यह विश्व केवल ऐसा ही नहीं है जैसा मोटे तौर पर समझा जाता है, वरन यह एक चेतना का समुद्र है। प्रत्येक परमाणु आकाश एवं ईथर तत्व में बराबर गति करता हुआ आगे को बह रहा है। शरीर के तत्व हर घड़ी बदल रहे हैं। आज जो रासायनिक पदार्थ एक वनस्पति में है वह केवल भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुँचेगा और परसों मल रूप में निकलकर अन्य जीवों के शरीर का अंग बन जाएगा। डॉक्टर बताते हैं कि शारीरिक कोश हर घड़ी बदल रहे हैं, पुराने नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। यद्यपि देखने में शरीर ज्यों का त्यों रहता है पर कुछ ही समय में वह बिल्कुल बदल जाता है और पुराने शरीर का एक कण भी बाकी नहीं बचता। वायु जल और भोजन द्वारा नवीन पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और श्वास क्रिया तथा मल त्याग के रूप में निकल रहे हैं। भौतिक पदार्थ बराबर अपनी धारा में बह रहे हैं। नदी तल में पड़े हुए कछुए के ऊपर होकर नवीन जलधारा बहती रहती है, तथापि वह केवल इतना ही अनुभव करता है कि पानी मुझे घेरे हुए है और मैं पानी में पड़ा हुआ हूँ। हम लोग भी उस निरंतर बहने वाली प्रकृति धारा से भली भांति परिचित नहीं होते, तथापि वह पल भर भी ठहरे बिना बराबर गति करती रहती है। यह मनुष्य शरीर तक ही सीमित नहीं वरन अन्य जीवधारियों वनस्पतियों और जिन्हें हम जड़ मानते हैं उन सब पदार्थों में होती हुई आगे बढ़ती रहती है। हर चीज हर घड़ी बदल रही है। कितना ही प्रयत्न क्यों ना किया जाए इस प्रवाह की एक बूंद को क्षण भर भी रोककर नहीं रखा जा सकता। यह भौतिक सत्य आध्यात्मिक सत्य भी है। फकीर गाते हैं यह दुनिया आनी जानी है। भौतिक द्रव्य प्रवाह को तुम समझ गए होगे, यही बात मानसिक चेतनाओं की है। विचारधाराएं शब्दावलियां संकल्प आदि का प्रवाह भी ठीक उसी प्रकार जारी है। जो बातें एक सोचता है वही बात दूसरे के मन में उठने लगती है। दुराचार के अड्डों का वातावरण ऐसा घृणित होता है कि वहाँ जाते जाते नए आदमी का दम घुटने लगता है। शब्द धारा अब वैज्ञानिक यंत्रों के वश में आ गई है। रेडियो बेतार का तार शब्द लहरों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मस्तिष्क में आने जाने वाले विचारों के अब फोटो लिए जाने लगे हैं जिससे यह पता चल जाता है कि अमुक आदमी किन विचारों को ग्रहण कर रहा है और कैसे विचार छोड़ रहा है। बादलों की तरह विचार प्रवाह आकाश में मंडराता रहता है और लोगों के आकर्षण शक्ति द्वारा खींचा व फेंका जा सकता है।
यह विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तृत है। इस छोटी पुस्तक में उसका वर्णन कठिन है। मन के तीनों अंग प्रवृत्ति मानस, प्रबुद्ध मानस और आध्यात्मिक मानस भी अपने स्वतंत्र प्रवाह रखते हैं। अर्थात यो समझना चाहिए कि आत्मा को छोड़कर शेष संपूर्ण शारीरिक और मानसिक परमाणु गतिशील हैं। यह सब वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थानों को चलती रहती हैं। जिस प्रकार शरीर के पुराने तत्व आगे बढ़ते हैं और नए आते रहते हैं, उसी प्रकार मानसिक पदार्थों के बारे में भी समझना चाहिए। उस दिन आपका निश्चय था कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, आज विषय भोगों से नहीं अघाते। उस दिन निश्चय था अमुक व्यक्ति की जान लेकर अपना बदला चुकाऊंगा, आज उनके मित्र बने हुए हैं। उस दिन रो रहे थे कि किसी भी प्रकार धन कमाना चाहिए, आज सब कुछ त्याग कर सन्यासी हो रहे हैं। ऐसे असंख्य परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि पुराने विचार चले गए और नए उनके स्थान पर आ गए। विश्व की दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं की गतिशीलता की धारणा, अनुभूति और निष्ठा यह विश्वास करा सकती है कि संपूर्ण संसार एक है। एकता के आधार पर उसका निर्माण है। मेरी अपनी वस्तु कुछ भी नहीं है या संपूर्ण वस्तुएं मेरी ही हैं। तेज बहती हुई नदी के बीच धार में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि पानी के कितने और कौन से परमाणु तुम्हारे हैं, तब क्या उत्तर दोगे? विचार करोगे कि पानी की धारा बराबर बह रही है, पानी के जो परमाणु इस समय मेरे शरीर को छू रहे हैं पलक मारते मारते बहुत दूर निकल जाएंगे, जलधारा बराबर मुझसे छूकर चलती जा रही है, तब या तो संपूर्ण जलधारा को अपनी बनाऊं या यह कहूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, यह विचार कर सकते हो। संसार जीवन और शक्ति का केंद्र है, समुद्र है। जीव इसमें होकर अपने विकास के लिए आगे को बढ़ता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं लेता और छोड़ता जाता है। प्रकृति मृतक नहीं है। जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं उसके समस्त परमाणु जीवित हैं। वे सब शक्ति से उत्तेजित होकर लहलहा चल सोच और जी रहे हैं। इसी जीवित समुद्र की सत्ता के कारण हम सबकी गतिविधि चल रही है। एक ही तालाब की हम सब मछलियाँ हैं। विश्वव्यापी शक्ति चेतना और जीवन के परमाणु विभिन्न अभिमानियों को झंकृत कर रहे हैं। उपरोक्त अनुभूति आत्मा के उपकरणों और वस्त्रों के विस्तार के लिए काफ़ी है। हमें सोचना चाहिए कि यह सब शरीर मेरे हैं, जिनमें एक ही चेतना ओतप्रोत हो रही है। जिन भौतिक वस्तुओं तक तुम अपनापन सीमित रख रहे हो, अब उससे बहुत आगे बढ़ना होगा और सोचना होगा कि इस विश्व सागर की इतनी बूंदें ही मेरी हैं। यह मानस भ्रम है। मैं इतना बड़ा वस्त्र पहने हुए हूँ जिसके अंचल में समस्त संसार ढका हुआ है। यही आत्म शरीर का विस्तार है। इसका अनुभव उस श्रेणी पर ले पहुँचेगा जिस पर पहुँचा हुआ मनुष्य योगी कहलाता है। गीता कहती है, सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अपने परिधान का विस्तार करता हुआ संपूर्ण जीवों के बाह्य स्वरूपों में आत्मीयता का अनुभव करता है। आत्माओं की आत्माओं में तो आत्मीयता है ही। ये सब आपस में परमात्मा सत्ता द्वारा बंधे हुए हैं। अधिकारी आत्माएं आपस में एक हैं। इस एकता के ईश्वर बिल्कुल निकट है। यहाँ हम परमात्मा के दरबार में प्रवेश पाने योग्य और उनमें घुल मिल जाने योग्य होते हैं। वह दशा अनिर्वचनीय है। इसी अनिर्वचनीय आनंद की चेतना में प्रवेश करना समाधि है और उनका निश्चित परिणाम आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वराज्य, मुक्ति, मोक्ष होगा। एकता अनुभव करने का अभ्यास। ध्यानावस्थित होकर भौतिक जीवन प्रवाह पर चित्त जमाओ। अनुभव करो कि समस्त ब्रह्मांडों में एक ही चेतना शक्ति लहरा रही है। उसी के समस्त विकार भेद से पंच तत्व निर्मित हुए हैं। इंद्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सुख दुखमय अनुभव होते हैं, वह तत्वों की विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया है जो इंद्रियों के तारों से टकराकर
विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की झंकारें उत्पन्न करती है। समस्त लोकों का मूल शक्ति तत्व एक ही है और उसमें मैं भी उसी प्रकार गति प्राप्त कर रहा हूँ जैसे दूसरे। यह एक साझे का कंबल है जिसमें लिपटे हुए हम सब बालक बैठे हैं। इस सच्चाई को अच्छी तरह कल्पना में लाओ, बुद्धि को ठीक ठीक अनुभव करो, समझने और हृदय को स्पष्ट अनुभव करने दो। स्थूल भौतिक पदार्थों की एकता का अनुभव करने के बाद सूक्ष्म मानसिक तत्व की एकता की कल्पना करो। वह भी भौतिक द्रव्य की भांति एक ही है। तुम्हारा मन महामन की एक बूंद है जो ज्ञान और विचार मस्तिष्क में भरे हुए हैं। वह मूलतः सार्वभौम ज्ञान और विचारधारा के कुछ परमाणु हैं और उन्हें पुस्तकों द्वारा, गुरुमुख द्वारा या इतर आकाश में बहने वाली धाराओं से प्राप्त किया जाता है। यह भी एक अखंड गतिमान शक्ति है और उसका उपयोग वैसे ही कर रहे हो जैसे नदी में पड़ा हुआ कछुआ अविचल गति से बहते हुए जल परमाणुओं में से कुछ को पीता है और फिर उसी में मूत्र रूप से त्याग देता है। इस सत्य को भी बराबर हृदयंगम करो और अच्छी तरह मानस पटल पर अंकित कर लो। अपने शारीरिक और मानसिक वस्त्रों के विस्तार की भावना दृढ़ होते हुए ही संसार तुम्हारा और तुम संसार के हो जाओगे। कोई वस्तु वीरानी न मालूम पड़ेगी। यह सब मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं, इन दोनों वाक्यों में तब तुम्हें कुछ भी अंतर मालूम ना पड़ेगा। वस्त्रों से ऊपर आत्मा को देखो। यह नित्य, अखंड, अजर, अमर, अपरिवर्तनशील और एकरस है। वह जड़, अविकसित, नीच प्राणियों, तारागणों, ग्रहों, समस्त ब्रह्मांडों को प्रसन्नता और आत्मीयता की दृष्टि से देखता है। वीराना, घृणा करने योग्य, सताने के लायक या छाती से चिपका रखने के लायक कोई पदार्थ वह नहीं देखता। अपने घर और पक्षियों के घोंसले के महत्व में उसे तनिक भी अंतर नहीं दिखता। ऐसी उच्च कक्षा का प्राप्त हो जाना केवल आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के लिए ही नहीं वरन संसारिक लाभ के लिए भी आवश्यक है। इस ऊंचे टीले पर खड़ा होकर आदमी संसार का सच्चा स्वरूप देख सकता है और यह जान सकता है कि किस स्थिति में किससे क्या बर्ताव करना चाहिए। उसे सद्गुणों का पुंज, उचित क्रिया, कुशलता और सदाचार सीखने नहीं पड़ते, वरन केवल यही चीज़ें उसके पास शेष रह जाती हैं और वे बुरे स्वभाव न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं जो जीवन को दुखमय बनाते हैं। यहाँ पहुँचे हुए स्थित प्रज्ञ देखता है कि सब अविनाशी आत्माएं यद्यपि इस समस्त समय स्वतंत्र, तेज स्वरूप और गतिवान प्रतीत होती हैं, तथापि उनकी मूल सत्ता एक ही है। विभिन्न घटों में एक ही आकाश भरा हुआ है और उनके जलपात्रों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब झलक रहा है। यद्यपि बालक का शरीर पृथक है परंतु उसका सारा भाग माता पिता के अंश का ही बना है। आत्मा सत्य है पर उसकी सत्यता परमेश्वर है। विशुद्ध और मुक्त आत्मा परमात्मा है। अंत में आकर यहाँ एकता है। वही वह स्थिति है जिस पर खड़े होकर जीव कहता है, अर्थात वह परमात्मा मैं हूँ, और उसे अनुभूति हो जाती है कि संसार के संपूर्ण स्वरूपों के नीचे एक जीवन, एक बल, एक सत्ता, एक असलियत छिपी हुई है। दीक्षितों को इस चेतना में जग जाने के लिए हम बार बार अनुरोध करेंगे, क्योंकि मैं क्या हूँ इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त करना सच्चा ज्ञान है। जिसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसका जीवन प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और उदारता से परिपूर्ण होना चाहिए। कोरी कल्पना या पोथी पाठ से क्या लाभ हो सकता है? सच्ची सहानुभूति ही सच्चा ज्ञान है और सच्चे ज्ञान की कसौटी उसका जीवन व्यवहार में उतरना ही हो सकता है। इस पाठ के मंत्र, मेरी भौतिक वस्तुएं महान भौतिक तत्व की एक क्षणिक झांकी है। मेरी मानसिक वस्तुएं अविच्छिन्न मानस तत्व का एक खंड है। भौतिक और मानसिक तत्व निर्बाध गति से बह रहे हैं, इसलिए मेरी वस्तुओं का दायरा सीमित नहीं। समस्त ब्रह्मांड की वस्तुएं मेरी हैं।
अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है। मैं विशुद्ध हो गया हूँ, परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। अगली पुस्तक आगे।